एक बहुत बड़ी खबर से आपको आगाह करते चले कि लद्दाख को लेके चाइना और इंडिया के बीच जो है एग्रीमेंट हो चुका है। जो कंडीशंस अगर देखा जाए 2020 की थी, वहीं पे ही चाइना की आर्मी को जाना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है सर। ये ब्रिक्स के अंदर अभी मीटिंग हुई नहीं है, मोदी जी पहुंचे नहीं है और शी जिनपिंग ने सरेंडर कर दिया। असलियत में ये डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है हमें ये समझना हो। सिर्फ दो ही तो कंट्री ऐसे हैं जो चाइना के सामने खड़े होने की हिम्मत रखते हैं, एक रशिया जो सीधा मिसाइल तान देता कि देरी ऐसी ऐसी, दूसरा इंडिया। और एक ही टाइम में हम देख रहे हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और चाइना के प्रेसिडेंट जो है वो इसके लिए जा रहे हैं, पहुंचने वाले हैं वहां पर रशिया में कजान। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इसलिए है कि अभी इंडिया और चाइना के बीच जो एग्रीमेंट हुआ, जो ब्रेक थ्रू हुआ, इंडिया वांट्स ए कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन विद चाइना। बट जब पाकिस्तान की बात आती है तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की बात नहीं हो रही, कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने की बात हो रही है। अगर चाइना इंडिया के साथ दोस्ती जैसे कर रहा है और अपने ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं, अगर चाइना और इंडिया दोस्त बेहतरीन बन जाते हैं तो सर पाकिस्तान का क्या होगा? और यकीनन इसके आलमी सियासत पर भी असरात मुरतब होंगे। अगर आप बुरा ना माने तो मेरे ख्याल में लेट्स टॉक अबाउट कि हम बात करें चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात के बारे में, कि ये अब जो आने वाला वक्त है ये क्या करना चाहता है और चीन में क्या हो रहा है और हम किस किस्म के इनके साथ रिलेशनशिप रखना चाहिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपीएन चैनल पे। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेट्स वीडियो। तो दोस्तों इस समय एक बहुत बड़ी घटना हुई है जिसका कि इस समय न सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर चर्चा हो रही है, और वह है चीन और भारत के बीच में LOC पर यानी चाइना पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर दोनों देशों की सहमति और दोनों देशों के सैनिकों की पेट्रोलिंग को लेकर के जो खबर आई है वह भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए तो ठीक है ही, लेकिन इसी के साथ साथ कई लोग यह भी सवाल उठा रहे हैं कि जो चाइना पिछले 4-5 सालों से यह बात नहीं माना था अब अचानक क्यों मान चुका है, जिसकी कई वजह बताई जा रही है। लेकिन उनमें से एक वजह यह भी बताई जा रही है कि इसके अंदर रूस ने बड़ा अहम किरदार किया है, अहम रोल निभाया है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस समय रूस के अंदर ब्रिक्स की मीटिंग हो रही है जिसको कि ऑब्वियसली रूस चाहता है सफल बने, और उसके लिए भारत और चाइना और रूस को तीनों को एक पेज भी आना होगा। तो ऐसे में रूस की तरफ से भी चाइना को परसुएट किया गया कि वो इंडिया के साथ अपने मामले को सही करें, और उसके साथ साथ क्योंकि ब्रिक्स के अंदर रूस यह भी नहीं चाहता कि चाइना की मोनोपोली बने और चाइना कहीं रूस को भी न दबा दें, तो ऐसे में भारत का साथ ब्रिक्स के अंदर रूस को चाहिए, इसलिए रूस ने बताई जा रही है कि कहीं ना कहीं मदद की है। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। आपको मालूम है कि ब्रिक्स की समिट होने वाली है, वो भी कहां हो रही है, रशिया में हो रही है, पहली बार हो रही है जब से ब्रिक्स बना है। और वहां पे मीटिंग से पहले जहां पर शी जिनपिंग भी होंगे, प्रेसिडेंट पुटिन भी होंगे और मोदी जी भी होंगे, बीजिंग ने एक हरकत कर दी। उन्होंने बोल दिया कि भाई दोनों कंट्रीज जो गलवान के एरिया है वहां से पीछे हट जाएंगी। सर ये ब्रिक्स के अंदर अभी मीटिंग हुई नहीं है, मोदी जी पहुंचे नहीं है और शी जिनपिंग ने सरेंडर कर दिया। सर वो तो होना ही था ना ब्रिक्स के अंदर, अगर आपको ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम अगर आपको निकालना है तो भारत की मंजूरी के बगैर तो हो ही नहीं सकता, और यहाँ पे ब्रिक्स करेंसी वर्क करना बहुत जरूरी है और इसमें भारत का बहुत बड़ा रोल है। बिना भारत के मंजूरी सहमति के बगैर ब्रिक्स करेंसी पेमेंट के नॉट फंक्शन, तो ये डी एस्केलेशन होना जरूरी है। और आप जानते भी हैं कि हमारी अगर मिसाइलें चाइना के ईस्टर्न प्रोविंस में जाके मारेगी तो पूरी चाइना तबाह हो जाएगी। 18 ट्रिलियन को हम 1 ट्रिलियन बना देंगे सर, आप हमारी सिर्फ 3.5 ट्रिलियन की 1 ट्रिलियन बना सकते हो। तो आपकी जो स्टेटमेंट है कि 18 ट्रिलियन को 1 ट्रिलियन बना सकते हैं, भाई मजा आ गया सुनकर। देखिए सर मुझे बताइए, जब से ये एक्सपैंड हुआ है सारी मेंबरशिप्स, तब से पहली बार रशिया में ये मीटिंग हो रही है, रशिया खुद टूटा हुआ है, इंटरनेशनली आइसोलेटेड है, और जो चाइना है वो भी आज की डेट में इकोनॉमिकली एक तरह से आइसोलेटेड ही है, बहुत बुरा हाल है। लेकिन दो कंट्रीज दोनों ही इकट्ठे मिलकर पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करने की बात बोलती हैं थ्रू ब्रिक्स, आपको लगता है इतना आसान होगा? और इसीलिए भारत को सेम पेज पर लेकर आने के लिए बॉर्डर से पीछे हट गए। सर जरूरी है सर, चाइना और EU के बीच में अभी टैरिफ वॉर चालू हो गया, आपने बताया था उसके ऊपर EU ने अभी टैरिफ लगाए हैं अराउंड 35% समथिंग, अमेरिका ने ऑलरेडी कर दिया है। तो चाइना को एक मार्केट भी चाहिए, चाइना नीड्स इंप्रूव रिलेशंस विद इंडिया, चाइना को अपनी इंडस्ट्री चलाने के लिए इंडिया चाहिए, और ब्रिक्स की करेंसी के अंदर ट्रस्ट गेन करना है
तो विदाउट इंडिया पार्टिसिपेशन हो नहीं सकता। लेकिन मेरे सब एक सेंट्रल क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि व्हाई इंडिया वांट्स ए कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन विद चाइना, बट जब पाकिस्तान की बात आती है तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की बात नहीं हो रही, कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने की बात हो रही है। सो इसकी क्या, दोनों की आप समझते हैं बड़ी वजूहात क्या है? देखें जी, ये बड़ी क्लियर किस्म की स्टेटेड पॉलिसी है और इसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड में अगर आप जानते हैं तो मेरे ख्याल में ये सेल्फ एक्सप्लेन करती है अपने आप को। पहला तो इसमें जो क्लियर है, देखिए चाइना के साथ एक लिमिटेड एक डोमेन के अंदर उनकी क्लैश है और मोस्टली वो कंसंट्रेट करती है बॉर्डर के इर्द गिर्द, और उसके साथ जो एक हिस्टोरिकल रूट्स जुड़ी होती हैं जो किसी भी मूवमेंट को या अनरेस्ट को किसी तरीके से किसी आइडियोलॉजिकल स्कूल के साथ जोड़ती हैं, वो उसके साथ उस तरीके से जुड़ता नहीं। तो उससे लेके अगर आप देखें तो वो सारे विद द पैसेज ऑफ टाइम इंडिया ने, मैं समझता हूँ कि एक तरीके से उसको डिफ्यूज़ किया चाइना के साथ म्यूचुअल डायलॉग के साथ या अंडरस्टैंडिंग के साथ रिजॉल्व कर दिया, और कर लेना चाहिए था। उसूली तौर पे ये कोई इतना बड़ा ये है नहीं, और मैं आपको बता दूं कि दुनिया के पूरा मंत्रीन मुल्कों में भी इस तरह के छोटे मोटे इश्यूज खड़े हो जाते हैं कभी कभार सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान किसी वजह से, और रहा सवाल पाकिस्तान के साथ बलोच इशू पे, तो उसके साथ मैंने कहा कि अगर आपने किसी जगह पे 20 ग्रुप हैं और हर ग्रुप अपने आप को सबसे बड़ा आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड और की, तो वो सिचुएशन बन जाती है टोटली डिफरेंट। तो ये वहाँ पे चलता है उस हिसाब से, आप देखें जिस इलाके में सबसे ज़्यादा है आपके पसंदीदा आइडियोलॉजिकल बेसिस होंगे इतना ज़्यादा आप उस पर इन्वेस्ट करेंगे और इतना ज़्यादा आप उसको कंसंट्रेट करेंगे अदरवाइज पॉलिटिकली, जैसे कि आप कश्मीर में देख लें, जम्मू कश्मीर में जिस तरह के हुआ, पाकिस्तान ने जाहिर है नोइंगली इसको चुना था कि कश्मीर के अंदर जो मल्टीपल पार्टीज एक्टिवेट हुई हुई थी 80s में जिन्होंने वहाँ शुरू किया था काम, कि उनमें से हमारा अलाइज कौन है, तो उन्होंने वक्तन फक्तन अपने अलाइज बदले। ये कोई पहला इनका अलाइज जो है वो पाकिस्तान का वो वहाँ की फंडामेंटलिस्ट इस्लामिस्ट फोर्सेज नहीं थी, पहले इनके जो अलाइज थे वो वहाँ की सेकुलर फोर्सेज थी जो इंडिया को दूसरे बुनियादों पर अपोज करती थी। बाद में उन्होंने उसको रिप्लेस करके तो जो मोस्ट ब्रूटल किस्म की मिलिटेंसी है उसको लॉन्च किया, जिसकी उन्होंने फाइनेंशियल एथिकल मॉरल पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक जो भी उनको उन्होंने उसकी सपोर्ट की और उसको ज़ाहिर एक सतह पे लेके चले गए जो कि ऑनगोइंग है ज़ाहिर मुख्तलिफ शक्लों में। पाकिस्तान ने ऑफिशियली अब भी उसको उस तरीके से जो है वो मुखालफत नहीं की। उसकी मैं आपको एक मिसाल दूंगा, जो अभी प्राइम मिनिस्टर ने यूनाइटेड नेशन में खिताब के दौरान पीस की बात की कि पीस कैसे अचीव किया जा सकता है, जाने की तरफ एक इशारा ज़रूर है, लेकिन इस पे मैंने एक कॉलम भी लिखा था कि ये इशारा काफ़ी नहीं है, इस पे एक बोल्ड किस्म की दो टोक बाशगाफ किस्म की एक पॉलिसी चाहिए जो आपके पास है नहीं।